ऐसा माना जाता है कि जिस राजा ने इसे बनवाया था उसकी रानी की आत्मा आज भी इस किले में घूमती है। और आप देख ही सकते हैं इस किले की छत से कितना अच्छा व्यू आता है। हेलो दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है हमारी एक और शानदार वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं और मेरी माताजी घूमने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर और एडवेंचरस जगह पर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, आज हम आए हैं करनी माता। हमारे यहाँ पे पंचर है करनी माता का, बहुत अच्छा है। ये है मेन गेट और यहाँ पे देखो हरियाली कितनी अच्छी है। यहाँ पे किला भी है, सब दिखाएंगे आपको। किला भी दिखाएंगे, हरियाली देखो कितनी अच्छी है। यहाँ पे सब आते हैं देखने के लिए और टिकट भी कटती है। यहाँ पे टिकट कटवा के ही आगे करनी माता के मंदिर में जाएंगे। अब जैसे कि मेरी मम्मी ने बताया कि आज हम करनी माता के जा रहे हैं पहाड़ों को चीर कर, तो जो करनी माता का मंदिर है वो अलवर राजस्थान में स्थित है, पहाड़ों के बीच में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो अलवर आपको 150 किलोमीटर पड़ जाता है, तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो आराम से। और अभी हम करनी माता के जा रहे हैं जो कि 350 वर्ष पुराना मंदिर है। चलो चलते हैं करनी माता के मंदिर। ये करनी माता के मंदिर का द्वार है जो दिखने में काफी अच्छा है एंड चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। चलो मम्मी, इन सीढ़ी पे जाना पड़ता है भाई, बहुत ऊंचे है करनी माता। और ये काफी ज्यादा जंगल है। ये मेरी मम्मी है, ये आ रही है अभी। यहाँ जंगल है बहुत ज्यादा और यहाँ बंदर बंदर भी रहते हैं और काफी सारे जानवर है, हिरण भी रहते हैं, इतने सारे पेड़ हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा एरिया है ये वैसे, पर यहाँ मतलब आओगे तो भाई मोबाइल के टावर नहीं पकड़ते, मतलब बिल्कुल नेटवर्क, कोई सिम में नेटवर्क नहीं आता यहाँ, तो मोबाइल तो काम ही नहीं करेगा। कॉल वोल नहीं कर पाओगे, नेट भी नहीं चलेगा। ओनली तुम वैसे काम कर सकते हो जैसे फोटो वोटो रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज। देखो गाइज, हम आए हैं करनी माता। अब यहाँ आपको दिखाएंगे मंदिर, बहुत अच्छी है ये माता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाठ पूजा बहुत ज़्यादा होता है, नवरात्रों में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर, मान्यता बहुत होती है इसकी, बहुत लोग आते हैं। आज हम इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर भीड़ कम है और यहाँ पर पहाड़ है, हरियाली बहुत अच्छी है। यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत अच्छी हरियाली है, आपको दिखाएंगे। अब हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, नीचे है पहाड़ों में और यहाँ पे जानवर बहुत रहते हैं, आते रहते हैं हम तो। यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है, हर मनोकामना हर पूरी हो जाती है यहाँ पर। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून है। आपको दिखाएंगे अब मंदिर में, करनी माता के मंदिर पहाड़ों के बिल्कुल जस्ट नीचे है। देखो कितना सुकून है, कितना अच्छा है, आज मौसम भी कितना अच्छा है, अच्छा लग रहा है। आज आए हैं क्योंकि भीड़ नहीं है और नवरात्रों में तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। जो मनोकामना है अपनी वो हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। जैसे कोई अपना रुमाल, कोई अपना नाल का धागा और जैसे माता की चुनरी, ये पेड़ के बांध के जाते हो। देखो यहाँ पर चुनरी बांध दी जाती है, इन पेड़ों के मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रों में बांध के जाते हैं, अगली साल नवरात्रों में आते हैं ना, तो उनकी मनोकामना सभी की पूरी होती है। बहुत अच्छा हुआ, अच्छा होता है ये मंदिर, बहुत अच्छा है, माना हुआ है। आप आना कभी, हम आते रहते हैं यहाँ पर। देखो गाइज, हम आ गए हैं मंदिर करनी माता के। ये रेलिंग है जो अंदर जाने की। और देखो यहाँ पर, देखो इस साइड में देखो कितनी हरियाली है, इस साइड देखो कितनी हरियाली है। और आपको हम अंदर का दिखाएंगे जहाँ पे करनी माता का मंदिर है। देखो गाइज, ये है मंदिर करनी माता का, यहाँ पर घंटी है। देखो यहाँ पर करनी माता का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत मान्या हुआ है, बहुत मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर। जय हनुमान। यहाँ पर देखो मनोकामना पूरी होती है। देखो यहाँ पर सभी ने ही अपनी डोर बांध रखी है, सभी की मनोकामना पूरी होती है।
अंदर बाबा बैठा है हमारा महाराज। मंदिर के बारे में बताओ आप। मंदिर के बारे में 350 वर्ष पुराना मंदिर है, करणी माता मंदिर, बाला किला। 350 वर्ष पुराना मंदिर है। इधर राजा हुए थे बख्तावर सिंह जी, उनको ये श्राप मिल गया था और जब वो मरण तुल्य हो गए थे उस समय माता रानी का आह्वान करा गया था इधर। जब माता रानी प्रकट हुई थी उन्होंने को जीवन दान दिया था। अच्छा। जब उन्होंने ये मंदिर बनवाया, माता रानी यहाँ सदा निवास करती है। अच्छा। और जो भी भक्त आते हैं मनोकामना उनकी होती है, हर प्रकार की इच्छा पूरी होती है। हाँ जी। और ये देखो मंदिर का काम कितना अच्छा कर रखा है, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर, कितना सुकून है। हमारी शिव जी हैं, ये हो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर बहुत पाठ पूजा होती है। और ये मंदिर है ये पूरा जंगल के बीच में है, पहाड़ों के बीच में, जंगल के बीच में, हरियाली हरियाली है, पहाड़ों के नीचे है, करणी माता पहाड़ों के नीचे है। अब हम बाला किला जाएंगे, आपको बाला किला भी दिखाएंगे। यहीं है करणी माता के कुछ दूर आगे, दिखाएंगे आपको, हम जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं हम बाला किला, वो भी अलवर में ही स्थित है। तो ये बाला किले का मेन गेट है, इसके अंदर जाने के लिए आपको एंट्री करवानी पड़ती है गार्ड से, देन आप बाला किला को घूम सकते हैं। और यहाँ हर जगह से पर्यटक घूमने आते हैं। किला बहुत पुराना है, कभी राजा महाराजा रहते थे जब का है ये किला। देखो गाइस ये है तोप है, ये किलेवाड़ा है, ये देखो ये पहले राजा महाराजा का था, ये किलेवाड़ा दरवाजा है। अब चलो अंदर, दूर दूर के लोग देखने आते हैं, देश के विदेश के सभी आते हैं यहाँ पर। ये नहाने का पहले था, अभी सूख रहा है, इसमें पानी नहीं है, नहीं तो ये भरा रहता था। ये सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जाने आने की, इतने अच्छे अच्छे कमरे, एक ये है एक ये है, इसमें कला के खोन रखी। देखो ये पहले का डिजाइन है, अब ये नहीं है, इतना अच्छा किला है। और ये जो किला है 10वीं सदी में परमार राजपूतों द्वारा बनाया गया था, जो काफी पुराना किला है एंड अलवर का काफी मशहूर भी है। इस किले में काफी सारे खाली कमरे हैं, ऐसा माना जाता है कि जिस राजा ने इसे बनवाया था उसकी रानी की आत्मा आज भी इस किले में घूमती है। और इस किले को रात को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई इसमें अंदर ना जा सके। ये सुनने में आपको बड़ा ही अजीब लगा होगा पर ये सच है। और इस किले की बनावट काफी अच्छी है जो आपके मन को खुश कर देगी। और आप देख ही सकते हैं इस किले की छत से कितना अच्छा व्यू आता है। और ये राजस्थान की सुंदरता है जो आप देख ही सकते हैं। यहाँ कई पुरानी चीजें भी है जो हम आपको अभी दिखाएंगे। ये है तो ये सब अंदर है, शीशे के अंदर है, पैक है, आप देखते जाओ हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखो जैसे घोड़ा बंदूक ये सब यहाँ पर अंदर है, शीशे के अंदर देखो, बंदूक राजा महाराजा की बंदूक है, ये घोड़ा है, ये राजा महाराजा की बंदूक है, शीशे में है, ये तो आपको दिखाते अंदर है। ये देखो ये राजा महाराजा की पहले की तलवार और ये बंदूक, इस शीशे में अंदर जाने नहीं देते। हाँ शीशे के अंदर है, अंदर जाने नहीं देते, बाहर से ही देखो पड़ता है। ये देखो ये है नाल धमाका, ये है जैसे घोड़े बारूद बुरूद का, ये देखो आप, और ये देखो ये तलवार है मयान, ये है मयान तलवार, ये सारी चीज बाला किला में ही है। ये छोटी तलवार है कीरच छोटी तलवार, ये देखो
ये बंदूकें देखो आप, ये बंदूकें हैं जो पुराने जमाने में बंदूकें यूज होती थी, वो सारी बंदूकें इस किले में है। मतलब आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा अच्छी तरह तरीके से, पर जितना हो सके वो दिखा रहे हैं हम। मतलब काफी सारी बंदूकें हैं इसके अंदर, जो पुराने पुराने बंदूकें होती है ना वो सारी। ये देखो गाइस, तोप है लोहे की, ये छोटी तोप है। हाँ जी, ये पहले राजा महाराजा के बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे काम आती थी। देखो आप, बहुत पुरानी है ये, मतलब बहुत अच्छा किला है ये। जो जो चीजें थी वो हमने दिखा दी आपको, और ये राजस्थान अलवर में स्थित है। अगर आप आना चाहो तो बिल्कुल विजिट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर जगह है ये। ये देखो तो है पहले राजा महाराजा की, बहुत पुरानी है। ये देखो बहुत पुरानी तो है पहले राजा महाराजा की, देखो आप कितनी अच्छी है। अगर आपको आना है तो ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे आप आ सकते हो, ठीक है। ये बाला किला की टाइमिंग है, और यह मतलब वैसे ये देखो, ये जो गाड़ियाँ है ये सफारी के लिए, यहाँ सफारी वाली गाड़ियाँ भी चलती हैं जो मतलब रेंटेड होती है। और गाइज ये आपको किला दिखा दिया है, हमारे चैनल को कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो गाइज जैसे कि मम्मी ने कहा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।